लिजेल, तुम सारी दुनिया में भी ढूंढो तो मुझ जैसी दूसरी नहीं मिलेगी। रेमो, तुम्हें क्या लगता है मैं दूसरी भी तुम जैसी ढूंढू? अरे अखबार तो तुम भी लिख देते, मेरा भी है। अरे अखबार है अर्ज करता हूँ कि जग घूमया थारे जैसा ना कोई, जग घूमया थारे जैसा ना कोई। लिजेल, घर की साफ सफाई चुपचाप करो वरना दिमाग घूमया तो मारे जैसा ना कोई। ये पढ़ता भी है भाई, कुछ सुना भी दो। टेरेंस, रेमो, तू कभी अपनी एनिवर्सरी भूला है? रेमो, नहीं। टेरेंस, वाओ, तू लिजेल से इतना प्यार करता है? रेमो, हाथ से बुलाए नहीं जाते। बहुत बढ़िया है। रेमो सर, सर मेरी बीवी लापता हो गई। पोस्टमास्टर, ये पोस्ट ऑफिस है, जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करो। रेमो, सॉरी सॉरी, खुशी के मारे कुछ समझ नहीं आ रहा। लिजेल, तुम बहुत भोले हो, तुम्हें कोई भी आसानी से फंसा लेता है। रेमो, हाँ शुरुआत तुमसे ही हुई है। लिजेल मैम, मैं आपको छोड़कर चली गई तो आपको कैसा लगेगा? रेमो सर, मैं पागल हो जाऊंगा। लिजेल मैम, दूसरी शादी तो नहीं करोगे? रेमो सर, पता नहीं पागल तो कुछ भी कर सकता है। आज मुझे हॉरर फिल्म देखने का मन हो रहा है बहुत ज्यादा। रेमो सर, अलमारी में हमारी शादी की सीढ़ियां देख लो। रेमो सर ने पान खरीद कर लिजेल मैम को खाने के लिए दिया। लिजेल मैम, अरे थैंक यू, पर आपने अपने लिए पान क्यों नहीं लिया? रेमो सर, अरे पगली, मैं तो ऐसे ही खामोश रह सकता हूँ। रेमो, अगर तुम्हें 1 करोड़ की लॉटरी लगी और उसी दिन मुझे किडनैपर्स ने किडनैप करके तुमसे 1 करोड़ मांगे तो तुम क्या करोगे? रेमो, वो सब तो ठीक है, पर मुझे नहीं लगता कि एक ही दिन में मेरी दो दो लॉटरी लगेगी। फिर भी कितनी बहुत अच्छी लगती हो, ये कैसा जवाब? थोड़ा खुल के बताओ ना। अरे डार्लिंग, इतनी अच्छी लगती हो कि कभी कभी सोचता हूं तुम जैसी एक और ले। दांत कैसे टूटे? रेमो, लिजेल ने कड़क रोटी बनाई थी। डॉक्टर, तो खाने से मना कर देते? रेमो, जी हाँ, वही तो किया था। क्या बना रही हो खाने में? लिजेल, आलू की सब्जी बना रही हूँ, पर पता नहीं क्यों ये आलू पक नहीं रहे हैं। रेमो, अच्छा ऐसा करो, थोड़ी देर आलू से बातें करो, देखो। बढ़िया चुटकुले आए हैं, बड़े अच्छे आदमी थे, अभी तक चल रहे हैं। धर्मेश, धर्मेश सर, सुना है आपकी शादी कराने वाला पंडित मर गया। रेमो सर, एक ना एक दिन उसको अपने कर्मों की सजा मिलनी थी। चुटकुला सुनाओगे? मैं वही सोच रहा था, मैं ना एक बड़ा बढ़िया आया है। अरे यार। <laughs>
रेमो रेस में अकेला भाग रहा था फिर भी सेकंड आ रहा था। बेचारा जल जल के सांवला हो गया गोरा था। बहुत बढ़िया चुटकुले आए हैं, बड़े अच्छे आदमी थे, अभी तक चल रहे हैं। धर्मेश धर्मेश सर, सुना है आपकी शादी कराने वाला पंडित मर गया। रेमो सर, एक ना एक दिन उसको अपने कर्मों की सजा मिलनी थी। तुम बहुत प्यारी हो लिजेल। थैंक्स रेमो, तुम बिल्कुल राजकुमारी जैसी दिखती हो लिजेल। थैंक यू सो मच। और बताओ क्या कर रहे हो रेमो? मजाक। मैं रेमो सर को एक सुंदर लड़की से बात करते देख लिजेल मैम उनके पास गई और कहा घर चलो मैं मरहम लगा दूंगी। रेमो लेकिन मुझे चोट कहाँ लगी है? लिजेल अभी हम घर कहाँ पहुँचे हैं? लिजेल रेमो, मैंने तुम्हारे बर्थडे के लिए इतने मस्त कपड़े लिए हैं, क्या बताऊँ। रेमो लव यू लिजेल, जरा दिखाओ। लिजेल रुको अभी पहन के आती हूँ। सर चुटकुला सुनो सर। रेमो सर लिजेल मैम के साथ फोन पे। ओके क्या बना रही हो खाने में? लिजेल आलू की सब्जी बना रही हूँ पर पता नहीं क्यों ये आलू पक नहीं रहे हैं। रेमो अच्छा ऐसा करो थोड़ी देर आलू से बातें करो देखो।